हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था ग्लोब के बारे में और आज हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में, जो कि ज्योग्राफी का एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वायुमंडल। आखिर वायुमंडल है क्या, एटमॉस्फेयर क्या है, तो सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एटमॉस्फेयर, ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो पृथ्वी पर हम अगर खड़े होकर देख रहे हैं, जितना भी हमको मतलब खाली जगह दिख रहा है, ब्लैंकेट, ब्लैंक मतलब होता है खाली स्थान। तो खाली स्थान पर जो भी एयर हमको, मतलब एयर तो दिखता नहीं है, जहां खाली है वहां हर एक जगह एयर प्रेजेंट है। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है। एयर जो है पृथ्वी पर हर एक जगह मौजूद है, उसी को हम वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। तो वायुमंडल में पांच लेयर बताया गया है, पांच लेयर, इसको पांच लेयर में बांटा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एक करके सारे लेयर की बात करेंगे, सारे लेयर को आपको समझाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट लेयर की, जिस पर हम लोग रहते हैं, ठीक है, जिस पर हम लोग रहते हैं। देखिए, ये पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है और इस अर्थ पर ही हम लोग रहते हैं। तो देखिए, जिस अर्थ पर हम लोग रहते हैं, ठीक है, हमारे अर्थ के लेयर से 14 किलोमीटर तक, हमारे अर्थ के लेयर से 14 किलोमीटर के रेंज में, रेंज के अंदर जितना भी हवा है, प्रेजेंट है, वो किस लेयर में आएगा, ये एटमॉस्फेयर के पहले लेयर में आएगा, जिसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर का पहला लेयर ट्रोपोस्फेयर कहलाता है, जिस पर हम लोग रहते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछे हम लोग किस लेयर में रहते हैं, एटमॉस्फेयर के किस लेयर में रहते हैं, तो होगा ट्रोपोस्फेयर लेयर में रहते हैं, ठीक है। इसी लेयर में हम लोग रहते हैं और इसी लेयर में वर्षा होती है, बादल बनता है, ठीक है। और इसका टेम्परेचर होता है, -80 डिग्री सेल्सियस। अगर शुरू से, अगर नीचे से, जमीन से धीरे जितना ऊपर हम जाएंगे, तो इसके लास्ट अगर 14 किलोमीटर ऊपर तक चले जाएंगे, तो वहां का जो टेम्परेचर होगा वो -80 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। -80 डिग्री तापमान यहाँ का होगा, ठीक है। और इसी लेयर में हवाई जहाज भी उड़ता है, ठीक है। और मौसम का बदलना भी इसी लेयर में होता है, धूप, गर्मी, वर्षा, सारा का सारा इसी में होता है, ठीक है। कभी ठंडा, कभी गर्मी, कभी वर्षा होती है, कभी ज्यादा गर्म होने लगता है, ठीक है। तो सारा का सारा क्लाइमेट चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, तो सारा का सारा ट्रोपोस्फेयर में होता है, ठीक है, जिस पर हम लोग रहते हैं, जिस जोन में, जिस लेयर में हम लोग रहते हैं, उसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। उसके बाद इतना तो आपको समझ में आ गया होगा ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, जिस लेयर में हम लोग रहते हैं ट्रोपोस्फेयर कहलाता है। अब हम अगले लेयर की बात करेंगे, ठीक है, जो कि ट्रोपोस्फेयर के बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। देखिए, अब हम बात करेंगे स्ट्रेटोस्फेयर की। ट्रोपोस्फेयर तो आप लोगों को पता हो गया, अब स्ट्रेटोस्फेयर की बात करेंगे, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर का सेकेंड लेयर है, ठीक है। सेकेंड लेयर की बात करेंगे स्ट्रेटोस्फेयर का। ये अगर पृथ्वी से 50 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, तो हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर में आ जाएंगे, ठीक है। इसका जो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी, सबसे ज्यादा ठंडा था 14 किलोमीटर के आसपास। फिर जितना हम ऊपर जाते जाएंगे, 50 किलोमीटर में गए, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। इसी लेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन लेयर का पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है। अब आप लोग पूछेंगे, सर ओजोन लेयर होता क्या है, ठीक है। तो ओजोन लेयर जो होता है, सूर्य की जो किरणें आती है हमारे शरीर पर जो पड़ती है, वो डायरेक्ट नहीं पड़ती है, ठीक है, वो ओजोन लेयर से होकर आती है। तो ओजोन लेयर का जो काम है, वो सूर्य से हानिकारक किरणें जो आ रही है, हार्मफुल रेज जो आ रही है, उसको रोक लेता है, ठीक है। हानिकारक रेज जो है वो रोक लेता है, और जो हमारे लिए यूजफुल है, जो किरणें हमारे लिए यूजफुल है, वो हम तक पहुंचाता है, ठीक है। तो जैसे हानिकारक किरणें जो होती है, उसको अल्ट्रा वायलेट रे कहते हैं,
ये इतना हानिकारक होता है, इतना हार्मफुल होता है कि अगर डायरेक्ट हमारे बॉडी पर पड़े, अगर डायरेक्ट हमारे बॉडी पर पड़े तो ये हमको जला भी सकता है और तुरंत हमको बहुत सारे रोग हो जाएंगे, सच एज जैसे कि कैंसर तुरंत हो जाएगा और तुरंत ही कुछ ही दिनों में हम मर भी सकते हैं। ठीक है, तो ये अल्ट्रावायलेट रे जो है वो ओजोन लेयर क्या करती है, उसको रोक लेती है और जो हमारे लिए अच्छा है, वो जो अच्छा किरण है, हर यूजफुल जो रेज है वो हम तक पहुंचाती है। ठीक है, और वही रेज में विटामिन डी भी पाया जाता है। ठीक है सर, पिछले क्लास में बताए थे विटामिन के बारे में, तो विटामिन डी जो होता है हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, जो कि हड्डियों को मजबूत करता है। ठीक है, तो वो सनलाइट में पाया जाता है। तो ये स्ट्रेटोस्फीयर 50 किलोमीटर में हो गया। ठीक है, 50 लैंड से, जमीन से 50 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो स्ट्रेटोस्फीयर आएगा। अब हम बात करते हैं मीसोस्फीयर का। स्ट्रेटोस्फीयर तो सबको समझ में आ गया होगा, ओजोन लेयर भी सबको समझ में आ गया होगा। हाँ, ओजोन लेयर आ गया ना समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं, मीसोस्फीयर की बात करते हैं। तो मीसोस्फीयर अगर हम पृथ्वी से, अगर हम जमीन से 80 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, ठीक है, कितना 80 किलोमीटर अगर हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो हम मीसोस्फीयर में आ जाएंगे। ठीक है, पृथ्वी का तीसरा लेयर आ जाएगा, सॉरी एटमोस्फेयर का तीसरा लेयर आ जाएगा। ठीक है, जो कि 80 किलोमीटर ऊपर जाने पर होगा मीसोस्फेयर। इसका जो टेम्परेचर होता है -80 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि ट्रोपोस्फेयर के बराबर होता है। ठीक है, 14 किलोमीटर पर जो टेम्परेचर था वही 80 किलोमीटर जाने पर हो जाएगा कितना, -80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये दोनों आपको समझ में आ गया, ट्रोपोस्फेयर, पहला ट्रोपोस्फेयर, दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा मीसोस्फेयर। ठीक है, और ये ओजोन लेयर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे चौथा की, थर्मोस्फेयर की बात करेंगे। सबसे पहले थर्मोस्फेयर, ठीक है, थर्मोस्फेयर की अगर बात करें तो सैटेलाइट भी इसी लेयर में पाया जाता है सैटेलाइट, और ये पृथ्वी से 500 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो हम थर्मोस्फेयर लेयर में आ जाएंगे, वायुमंडल के चौथे लेयर में आ जाएंगे। ठीक है, पृथ्वी से अगर 500 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो एटमोस्फेयर के चौथे लेयर में आ जाएंगे, जिसको कहते हैं थर्मोस्फेयर। ठीक है, और यहाँ जो होगा वो, इसका जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, यहाँ -80 है तो यहाँ धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, जितना ऊपर जाते जाएंगे वहां टेम्परेचर जो होगा वो बढ़ते जाएगा। और यही थर्मोस्फेयर में सैटेलाइट पाया जाता है, सैटेलाइट बहुत सारा तरह का, बहुत सारे देशों का सैटेलाइट है जो कि पृथ्वी का चक्कर लगाते रहता है, ना जाने एक दिन में कितना बार ये चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, और सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट क्या है, जो भी आजकल फोन करते हैं, मैसेज करते हैं किसी को, ठीक है, जो भी एक नेटवर्क का एक कनेक्शन जो होता है, तो सबसे पहले अगर हम किसी को फोन करते हैं तो हमारी आवाज सैटेलाइट तक जाती है, फिर सैटेलाइट दूसरे पर्सन के फोन में जाती है। जो भी हम न्यूज चैनल्स देखते हैं, ठीक है, तो न्यूज चैनल वाले का जो भी बोलते हैं, जो भी कुछ करते हैं, तो सबसे पहले सैटेलाइट तक जाता है, फिर हमारे फोन में, फिर हमारे टीवी तक आता है। तो यही काम रहता है सैटेलाइट्स का, जो कि थर्मोस्फीयर में पाया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा, चारों थर्मोस्फीयर, सबसे पहला थर्मोस्फीयर, ठीक है, दूसरा स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर में ही हम बताए थे ओजोन लेयर के बारे में। ठीक है, तो ओजोन लेयर के बारे में जो हम बताए थे, इसमें अगर बात करें कि ओजोन लेयर, देखिए तो स्ट्रेटोस्फीयर में ही ओजोन लेयर जो बताए, अगर ओजोन लेयर को अगर फट जाए तो क्या होगा, हानिकारक किरणें तो हमारी पृथ्वी तक आ जाएगी। अगर ओजोन लेयर अगर फट जाए, अगर इसमें छेद हो जाए तो हानिकारक किरणें तो हमारे बॉडी तक आ जाएगी, हमारे पृथ्वी तक पहुंच जाएगी। और ऐसा हो भी सकता है, छेद हो भी सकता है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है, सबसे ज्यादा क्या कारण है, इसको प्रभावित कौन करता है, सबसे ज्यादा ओजोन लेयर को प्रभावित करने वाला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जिसको कहते हैं, यह व्हीकल से सबसे ज्यादा निकलता है। ठीक है, वाहन जो चलाते हैं आप, जो धुआं सबसे ज्यादा देती है, तो जो धुआं देती है व्हीकल्स में, उसमें CFC निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है,
जो कि हमारे ओजोन लेयर को बहुत ही प्रभावित करता है। ठीक है, इस तो हमको क्या करना चाहिए, ओजोन लेयर को बचाना चाहिए, इसके परत को सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, मीसोस्फेयर हो गया, थर्मोस्फेयर हो गया, ये चारों क्लियर है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे एक्सोस्फेयर की। ठीक है, ये चारों क्लियर हो गया, अब हम चलेंगे एक्सोस्फेयर, मतलब पृथ्वी से हजारों किलोमीटर दूर चलेंगे। ठीक है, पृथ्वी से हजारों किलोमीटर दूर चलेंगे तो हम आ जाएंगे एक्सोस्फेयर में। ठीक है, जहां स्पेस शिप आपको मिलेगा। ठीक है, स्पेस शिप मतलब यान, किसका, स्पेस शिप, स्पेस में जाने के लिए। इससे ऊपर जितना भी सोलर सिस्टम में हम जाते हैं उसको ऊपर वाले एरिया को क्या कहते हैं, स्पेस कहते हैं। ठीक है, स्पेस यान कहते हैं, अंतरिक्ष यान कहते हैं। अंतरिक्ष यात्री जो भी जाते हैं खोज करने के लिए जाते हैं, चंद्रमा पर जैसे जाते हैं, कोई भी ग्रह पर जाते हैं। ठीक है, ऊपर में क्या है, क्या चल रहा है, तो कैसे जाते हैं, स्पेस शिप के द्वारा जाते हैं। किसी भी चीज का खोज करना हो, पानी का खोज करना हो, हवा का खोज करना है, कहां क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। ठीक है, तो किसके जरिए जाते हैं, स्पेस शिप के जरिए जाते हैं, जो कि एक्सोस्फेयर में पाया जाता है। एक्सोस्फेयर में अगर सब मतलब एक्सोस्फेयर तक जाएंगे तो हमको स्पेस शिप मिलेगा, जो कि पृथ्वी से 1000 किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे, 1000 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो फिर एक्सोस्फेयर हमको दिखाई देगा। ठीक है, कर देते हैं फिर से। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ लेयर है, और अर्थ लेयर से, अर्थ लेयर का सबसे पहले तो वायुमंडल, इसका चार लेयर, पांच लेयर है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, सबसे पहला लेयर ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर जिस पर हम लोग रहते हैं। दूसरा लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, जिसमें ओजोन लेयर पाया जाता है, जो कि पृथ्वी से 50 किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे तो स्ट्रेटोस्फेयर, फिर पृथ्वी से 80 किलोमीटर तक जाएंगे तो मीसोस्फेयर आएगा। ठीक है, जो कि पृथ्वी का तीसरा लेयर है। ठीक है, सॉरी, एटमोस्फेयर का तीसरा लेयर है। फिर अगर हम ये चौथे लेयर की बात करें तो थर्मोस्फेयर। ठीक है, इसी में सैटेलाइट भी पाया जाता है। ठीक है, ये वायुमंडल का चौथा लेयर है थर्मोस्फेयर, जो कि पृथ्वी से 500 किलोमीटर ऊपर तक जाएंगे तो हमको थर्मोस्फेयर लेयर में हम आ जाएंगे। फिर अगर हम सबसे लास्ट लेयर की बात करें, वायुमंडल के सबसे लास्ट लेयर, एटमोस्फेयर के सबसे लास्ट लेयर एक्सोस्फेयर। ठीक है, पांचवें लेयर की बात करें, एक्सोस्फेयर है, जिसमें अंतरिक्ष यान भी हमको देखा जा सकता है, स्पेस शिप देखा जा सकता है, जो कि 1000 किलोमीटर के लगभग 1000 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो हमको स्पेस शिप मतलब एक्सोस्फेयर में आएंगे, और उसी में हमको स्पेस शिप भी दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्लास, ये था हमारा टॉपिक एटमोस्फेयर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमारा था लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। इसके बाद हम अगले क्लास में आपको बताएंगे कौन कौन सा गैस हमारे एटमोस्फेयर में पाया जाता है। ठीक है, अगले वीडियो का आप लोग इंतजार करें। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया।